जा रही हूँ ऑडिशन या कुछ इंट्रो देने, और सुबह के बज रहे हैं 10:45, और ये है वो लिस्ट जिसमें हमने प्रोडक्शन हाउस के नेम और एड्रेस भी लिख लिया है। गूगल और यूट्यूब पे से सर्च करके ये हमने रात ही लिख लिए थे, और ज़्यादा से ये 10-12 प्रोडक्शन है, हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि हम दे पाएँ। वैसे तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगी, अगर आप मुंबई आना चाह रहे हैं तो मत आइए, प्लीज़ मत आइए, हम ही आके पछता रहे हैं यार। कुछ नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं कि कोविड की वजह से सारे ऑफिस बंद कर दिए हैं हमने, ऑनलाइन ही काम हो रहा है, ऑफलाइन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, 1% काम हो रहा है। तो हमने एक आध जगह ही ऑफलाइन ऑडिशन में इंट्रोडक्शन दिए हैं बस। सो गाइज, हमने 10,000 रेंट भरा है, तो अभी हम यहाँ पे 1 महीने का रेंट हमने दे दिया है, तो हम रह ही हैं, तो हम चले जाते हैं ऑफिसेस में। कम से कम ईमेल, उनका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ तो मिल रहा है ना हमें, तो हम चले जाते हैं देखने की, क्या पता कहीं पे 1-2 बार इंट्रोडक्शन या कुछ तो हो जाए कहीं पे, इसलिए हम चले जाते हैं, हम यहाँ पे रह ही रहे हैं। हो सकता है कि July 1st में हम यहाँ से निकल जाएं, अपने घर पे चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा, तो फ़ायदा क्या है यार यहाँ पे रहने का। सो गाइस, चलिए चलती हैं, मैं आपको ज़्यादा रोड या रास्ते का कुछ भी नहीं दिखाने वाली हूँ, मैं बस आपको सीधा प्रोडक्शन हाउस पे मिलूंगी, वहीं का सब कुछ दिखाऊंगी, और अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता है, आपने कैसे इंट्रो या ऑडिशन दिया वो मैं आपको सॉरी दिखा नहीं सकती। हम मेन रोड पे यहाँ से पकड़ेंगे ऑटो, पूछते हैं चल के, आधा किलोमीटर पैदल चलना है हमने, बस स्टॉप है कहीं यहीं, तो यहाँ खड़े होएंगे। ऑटो वाला भैया कह रहा है बस से तो चले जाओ, मैंने कहा ये भी अच्छा है, कितने नंबर की बस आएगी अब ये नहीं पता, बस आ तो रही है सामने से, पूछते हैं। शेयरिंग में जा रहे हैं, हमें लेकर नहीं जा रहे हैं, बोल रहे हैं शेयरिंग में जा रहे हैं हम, तो यहाँ पे शेयरिंग में भी ऑटो चलते हैं, हमें पता ही नहीं था मीटर के अलग है शेयरिंग के अलग हैं। ये मिल गए हमें ऑटो वाले भैया, हम बस से नहीं जा रहे हैं बिकॉज बस के लिए काफ़ी देर वेट करना पड़ता, तो इसीलिए हम जा रहे हैं ऑटो से। हमारा बिल बढ़ता जा रहा है, जाम लगा हुआ है, ऑटो से उतर गए अब यहाँ हम 95 रुपये दे के, ऑटो वालों को रास्ते ही नहीं पता होता है। बहुत पैदल चल रहे हैं, बड़े धक्के खाने पड़े, बहुत पैदल चल रहे हैं, बहुत लोगों से रास्ता पूछा जिसका हम ब्लॉग नहीं बना पाए, बनाते नहीं है खुद से ही, बहुत लोगों से रास्ता पूछा है, पैदल चल रहे हैं, ऑटो वाले ने इतना बिल बैठा दिया, 95 रुपये कर दिए, फिर हमने उसको 90 दिए, और गूगल पे दिखा रहा था 3 किलोमीटर का रास्ता, लेकिन 5, 6, 7, 8 बैठ गया पूरा, पता नहीं कैसे घुमा घुमा के। ऑटो वाले भैया को समझ में ही नहीं आ रहा था, ऐसी छोटी छोटी जगह नहीं समझ में आती हैं, रोड समझ में आते हैं, मेन रोड। हमें जाना है फायरवर्क्स प्रोडक्शन में, फायरवर्क्स प्रोडक्शन है रिचा बिल्डिंग के अंदर, और ये जो रिचा बिल्डिंग है ये पड़ती है वीरा देसाई रोड पे, इंडस्ट्रियल इस्टेट अंधेरी वेस्ट। सो ये है रिचा बिल्डिंग, और हमें जाना है फायरवर्क्स प्रोडक्शन हाउस में जो कि है 1st फ्लोर पे। सो हमें ऊपर जाने से पहले एंट्री करनी है, वो मैं कर रही हूँ। बात करना, गाइस आप इस पर अपनी ईमेल कर सकते हो प्रोफाइल, और ये लोग बोल रहे हैं कि 1:30-2 बजे आना, और अभी 12 तो चलते हैं नीचे। गाइस यहाँ पे अभी जो प्रेजेंट कास्टिंग डायरेक्टर है उनका नाम ये सर फकर बता रहे हैं, तो मिलते हैं इनसे 1:30 बजे, तो फिर आते हैं यहाँ पे दोबारा 1:30 बजे। यहाँ 1st फ्लोर पे आए हम,
बिल्डिंग इतनी ऊंची है, इतनी बड़ी है। फर्स्ट फ्लोर पे इधर की साइड है उनका ऑफिस। मना नहीं किया उन्होंने, बोल रहे हैं कि 1 बजे के बाद आना, 4:30 बजे तक होते हैं फिर। तो गेट है, एक ये है एक उधर है, के खाने पड़ रहे हैं। अब यहाँ पे भी नहीं हुआ, अब दूसरी जगह पे देखते हैं। शाम तक ऐसे ही घूमना है हमें, कहीं तो होगा, कुछ तो होगा। अब हम वैसे भी 20 दिन बाद जाने वाले हैं, टिकट कराने वाले हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फ़ायदा क्या है यहाँ पड़े रह के फैमिली से दूर। रास्ते में हमने भैया, एक भैया थे, उनसे पूछा कि यहाँ पे आसपास कोई प्रोडक्शन हाउस है क्या, तो उन्होंने बोला कि हाँ यहाँ पे क्रिस्टल रॉयल करके एक बिल्डिंग है, उसमें एक प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ पे ऑडिशन वगैरह होते हैं। वैसे गूगल या यूट्यूब पे तो हमने उसका सर्च नहीं किया है, हम हर जगह पे उस हर जगह की खबर छान भी निकाल के ही जाते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे ही जा रहे हैं, बट देखते हैं। तो ये सामने है क्रिस्टल रॉयल, चलते हैं अब इसके अंदर। पता नहीं सच है या झूठ, यहाँ पे ऑडिशन होते भी हैं यानी। मतलब पूछा कि कहाँ से ऑडिशन हो रहे हैं, तो हमें बताया कि 607 में हो रहे हैं। 607 में किस फ्लोर पे जाना है? गए हैं इस ऑफिस के अंदर, और अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, इसलिए अब मैं आ गई हूँ बाहर, सब कुछ ख़त्म करके जो भी था, और मैं आपको रिव्यू यहाँ से निकलने के बाद दूंगी। गाइस अभी हम इस बिल्डिंग में गए तो यहाँ पे इन लोगों ने बोल दिया कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑडिशन तो हर जगह बंद है, लाइव जो है अब हो ही नहीं रहे कहीं भी, तो इन लोग इतना बड़ा बोर्ड होता है तो उस पर इन्होंने रिटर्न में हमारा जो है इंट्रो ले गया, ऐसे फोटो खींच लिया हमारा कि यहाँ पे तो वैसे तो सब बंद है, और आप जो है पोर्टफोलियो करवा लो, 18,000 के 3 पोर्टफोलियो आपके होंगे, और ऐसे फोटो वोटो से तो बिना पोर्टफोलियो के तो काम नहीं होता, फिर तो खिंचवा लो, मतलब पोर्टफोलियो बनवा लो 18,000। इन्होंने बोला पोर्टफोलियो कुछ वगैरह वगैरह है आपके पास, हमने करना ही है, तो इन्होंने बोला, तो हमने बोल दिया नहीं हमारे पास पोर्टफोलियो नहीं है, तो उन्होंने बोला पोर्टफोलियो के बिना काम कैसे चलेगा, वो तो करवाना पड़ेगा, तो हमने बोल दिया हमें अभी नहीं करवाना। तो वहाँ से रिसेप किए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, ऐसे लोग ज़्यादातर फेक होते हैं, तो 12:30 बज चुके हैं। हम ऋचा बिल्डिंग में अभी दोबारा गए, वैसे हमें पहले गए थे तभी बता दिया था वहाँ पे एक सर थे कि 1 बजे के बाद आना, बट यहाँ से होके हम अभी दोबारा निकल रहे थे, तो हमने सोचा एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, देख लेते हैं जाकर, शायद कास्टिंग डायरेक्टर आ गए हों। जाकर देखा तो अभी भी नहीं आए हैं, अब हम एक आध जगह और घूमते हैं, फिर उसके बाद दोबारा आएंगे ऋचा बिल्डिंग में ऑडिशन देने, इंट्रो देने, जो भी होगा। मैंने व्लॉग शूट किया नहीं था जब मैं ऋचा बिल्डिंग में गई अभी दोबारा, सो लेट्स गो समवेयर एल्स। अभी हम जा रहे हैं बालाजी टेलीफिल्म्स। सो ये है सिटी मॉल, ये है बालाजी टेलीफिल्म्स प्रोडक्शन हाउस। हमें पता था कि यहाँ पे ऑडिशन या इंट्रो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बट फिर भी हम आ गए, क्या पता हमें ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर कुछ मिल जाए, बट गार्ड अंकल ने मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। सो हमें पता था, बट अब चलते हैं कहीं और, लेट्स गो। देखने में ये झोपड़ी जैसी लग रही है, बट ऊपर ये पूरी बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे अब मैं ले लूँ पानी की बॉटल, घूमते घूमते गला सूख रहा है, प्यास लग रही है बहुत। ओ वाओ, ओ माई गॉड, यानी कि यशराज हमें यहीं पे मिल गया, हम तो इसके लिए मेहनत करते हैं, पूछते हैं आसपास, यशराज स्टूडियो हमें यहीं पे मिल गया है, बालाजी के बिल्कुल पास में, सामने। हमें ये तो पता था कि ये बालाजी के पास में है, बट ये नहीं पता था कि इतनी पास में है, हमें लगा ढूंढना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन कुछ नहीं हो रहा है, इन्होंने मना कर दिया। यहाँ पे इन्होंने हमें दे दी है ये ईमेल आईडी, मैं तो अपना प्रोफाइल सेंड करूँगी ही, आप लोग भी कर देना अपना प्रोफाइल सेंड। हम ऐसे हिसाब से लिस्ट बना के लाए हैं जो आसपास ही हैं, सारे वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिव आई लिमिटेड प्रोडक्शन, जो कि है 12A कैलाश प्लाजा में, तो कैलाश प्लाजा हो रहा, आपको पेड़ों से नहीं दिखेगा ये सामने, ये कैलाश प्लाजा है, तो हम यहाँ पे जाके पता, शिव जी हर हर महादेव।
अब यहाँ पे ये तो लिखा हुआ लेकिन ये दरवाजा नहीं है, ये ऐसे ही जड़ा हुआ है। अब ऊपर जाना है, यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन कुछ नहीं हो रहा, गार्ड अंकल ने बोल दिया ये जीमेल ईमेल है नोट कर लो, आप भी अपना प्रोफाइल भेज देना गाइस, मैं भी भेजूंगी। चलो यहाँ के भी तसल्ली हो गई, यहाँ से भी ईमेल ले ली हमने, जब यहाँ मुंबई आए हैं हम तो कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। पता है कि कुछ नहीं हो रहा है फिर भी मन की तसल्ली तो करनी है, जब आए इतना पैसा लगाया है तो यहाँ आने में। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक जहाँ हम आए हैं आज सारी चीज़ें आमने सामने ही हैं, हो रहा सामने यशराज। यहाँ पे लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एरिया में यशराज और बालाजी के आसपास काफ़ी सारे 7-8 प्रोडक्शन हाउस हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी दूरी पे हैं और थोड़ी थोड़ी दूरी के चक्कर में हमने जो है ऑटो नहीं पकड़ा, हमने सोचा कि 1-2 किलोमीटर की दूरी पे है तो वॉकिंग डिस्टेंस है हम आराम से कवर कर लेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी हालत ख़राब होगी। हम आपको वीडियो काट काट के दिखाएंगे, बट हमें इतनी परेशानी हो रही है, 1:30 बज रहा है, तनिष्का ने सुबह से पानी भी नहीं पिया। बस मैंने थोड़ा सा पुलाव खाया है, रात का बच गया था, रात हमने पुलाव बनाया था, भैया हैं हमारे पड़ोस में रह रहे हैं तो उनके घर पे मतलब रूम में हमने बना लिया था, उनके पास गैस है सो घर से हम राइस लेके आए थे कच्चे, तो यहाँ पे हमने बना लिया पुलाव, थोड़ा सा खा के आई मैं घर से, थोड़ा सा बचा था बस। यहाँ पे थाली 80-90 रुपये के थोड़े से चावल दाल चावल ये ऐसे बहुत ही कम खाना मिलता है, काफ़ी महंगा मिलता है, तो एक टाइम का और एक जना खा लेगा इतना तो काफ़ी पैसे लग जाएंगे, इसलिए खाने की तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। ऊपर से हमने गैस नहीं ले रखी है तो अगर हम घर पे भी बनाएं तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि गैस नहीं लिए, गैस हम लेना भी नहीं चाह रहे हैं बिकॉज हम घर जा नहीं जा सकते हैं नेक्स्ट मंथ में, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, हर कोई अपनी जीमेल ईमेल दे रहा है, ऑनलाइन काम चल रहा है, तो क्या फ़ायदा गैस लेने का खर्चा करने का यहाँ पे। गाइस जितना ईजी आपको मेरा ब्लॉग लगता है कि बिल्कुल भी कोई डिफ़िकल्टी ज़्यादा नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट करना नहीं चाहती हूँ, आप वही रीज़न है पक जाओगे बहुत ज़्यादा और इतना लंबा मैं ब्लॉग कर भी नहीं सकती। बहुत दिक्कतें होती हैं, ये जो ऑटो वाले हैं ना ये गलियों में जाते नहीं हैं, ये बोल देते हैं कि थोड़ी सी दूर तो है आप चले जाओ, थोड़ी सी दूर तो है फालतू में आपका खर्चा हो जाएगा, क्योंकि 21 रुपीज़ से तो आपका ऑटो स्टार्ट होता ही है, तो आप थोड़े आगे जाओगे तो 21 के बाद में आपका पैसा होता ही चला जाएगा। तो यहाँ पे 1-2 किलोमीटर की दूरी से बने हुए हैं प्रोडक्शन हाउस, लेकिन उनमें घूमते घूमते गलियों में निकलते निकलते आप काफ़ी ज़्यादा दूर पहुँच जाते हो, कभी पास में ही होते हुए भी आपको नहीं पता होता यहीं है प्रोडक्शन हाउस। और मैप के हिसाब से चलोगे तो मैप ना कभी कभी आपका जो जगह होती है, मान लो आपका कोई प्रोडक्शन हाउस है तो पीछे ही आपको डन करके दिखा देगा और प्रोडक्शन हाउस होता है काफ़ी आगे, या फिर कभी कभी आप मैप की वजह से आगे निकल जाते हो प्रोडक्शन हाउस पीछे छूट जाता है, तो ना तो मैप पे ब्लेम कर सकते हैं और ना ही ऑटो वाले, ऑटो वाले बोल देते हैं कि हमें नहीं पता जाता तो हमें नहीं पता ऐसे बोल देते हैं, और कोई कोई अगर रास्ते में हम किसी भैया भैया से किसी से पूछते हैं ठेली वाले भैया से तो वो बोल देते हैं हाँ गली में है लेफ्ट जाओ राइट जाओ, तो बहुत ही ज़्यादा घूमना फिरना पड़ता है, इतनी गर्मी धूप में इतना थक जाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अभी ले लूँ पानी की बॉटल 20 रुपीज़ की 1 लीटर। तो अब हम जा रहे हैं रिचा बिल्डिंग में 3rd टाइम बताना, तो अभी हमें घूमते घूमते इससे रिचा बिल्डिंग में जाने से पहले भी हमने कई जगह गए हम ऑफिस, तो वहाँ से ऐसा हिसाब किताब है कि वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं कहीं और चले गए हैं तो वहाँ हम नहीं जा पाए हैं, इसलिए मैंने ब्लॉग में दिखाया भी नहीं, आप लोग कंफ्यूज़ हो जाओगे, जब हम अपनी जगह पे मंजिल पे पहुँच जाएंगे ऑफिस के पास हम आपको दिखाएंगे, तो ही तो आपको समझ में आएगा, आपका भी फ़ायदा है, आप डायरेक्ट अपनी मंजिल पे पहुँचोगे मेरी ब्लॉग देखने के बाद में, अगर मैं आपको आधे रास्ते तक ही ब्लॉग दिखाऊँगी तो आप भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे, मैं घुमाना फिराना नहीं चाहती आपका दिमाग, तो इसीलिए मैंने नहीं दिखाया, काफ़ी सारे ऑफिस शिफ्ट हो गए हैं तो जो जो हैं अभी मैं वो आपको दिखा रही हूँ बस। यहाँ पे हम ले रहे हैं बनाना 25 की 6। गाइस हम रिचा बिल्डिंग का भी रास्ता भूल गए हैं, गलियों में इधर उधर निकल गए थे किसी और प्रोडक्शन हाउस जाने के चक्कर में, मैं क्या बोलूँ, तो ये साइकिल वाले जो भैया हैं सामने ये रिचा बिल्डिंग में से ही आए थे अभी, तो ये अभी हमें दिखा रहे हैं रिचा बिल्डिंग का रास्ता कि रिचा बिल्डिंग किधर है। तो आ गई है रिचा बिल्डिंग, देखते हैं धक्के तो इतने खाए इसके लिए,
पता नहीं इंट्रो ऑडिशन कुछ होगा कि नहीं होगा, पता कुछ नहीं, धक्के तो खा लिए बहुत इसके लिए। ऐसी हालत हो रही है ना कि बैठ के रो लो, इतना थक गए हैं, ऐसी हालत हो रही है। इधर उधर जो निकल जाते हैं गलियों में, फिर आना मुश्किल पड़ जाता है, गलियों में थक जाते हैं इधर उधर। ऑटो वाले को भी रास्ता नहीं पता होता, ऑटो वाले भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। तीसरी बार आए हैं, देखते हैं जाके हो रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑडिशन, फिर कहीं और देखते हैं। क्लिचर गिरने की आवाज आई मुझे, सेकेंड फ्लोर पे चले गए गलती से, वो है फर्स्ट फ्लोर पे। सो हमें यहाँ पे मिले कास्टिंग डायरेक्टर सर, तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया, बोल दिया कि नहीं इंट्रो ऑडिशन कुछ नहीं हो रहा है, आप जीमेल ईमेल ले लो। तो उसके बाद फिर हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बोल दिया चलो ठीक है, तो उन्होंने इंट्रो तो ले लिया, फिर अपनी मर्ज़ी से उन्होंने मेरा ऑडिशन भी ले लिया, शायद मैं उनके किसी लुक में फ़िट हो लूँगी या पता नहीं। हमने सिर्फ इंट्रो के लिए बोला, इन्होंने ऑडिशन भी ले लिया। सो गाइज, फायर वर्क्स में ऑडिशन देने और इंटरव्यू देने के बाद में अब हम जाएंगे फोर लायंस प्रोडक्शन हाउस। प्रॉब्लम हो रही है, मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ पे है। और जो गूगल पे आप सर्च कर रहे हो फोर लायंस प्रोडक्शन हाउस का एड्रेस, तो वो पुराना आ रहा है, वो आ रहा है मोरिया ब्लू मून। तो मोरिया ब्लू मून अगर आप जाओगे, वो पूरी एक अपार्टमेंट है, तो वहाँ पे अब ये नहीं है, वहाँ से शिफ्ट हो गया है। हम मोरिया ब्लू मून में गए तो वहाँ की गार्ड अंकल ने बोल दिया कि ये शिफ्ट हो गया है और अब ये है लोटस बिजनेस पार्क में। लेकिन हमें लोटस बिजनेस पार्क बिल्डिंग भी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ पे है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या, बहुत कंफ्यूजन है यार। हम गलियों में से उधर उधर हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता है कुछ भी यहाँ के रोड्स का और सब कुछ। जितने भी प्रोडक्शन हाउस जा रहे हैं तो हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो कंफ्यूजन तो होना बनता ही है। आपके साथ भी होगा ऐसा, इसीलिए हम आपके लिए व्लॉग्स बना रहे हैं, आप समझो ध्यान से, जो भी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं वो आप समझिए। हम मुंबई फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम हम प्रोडक्शन हाउस जा रहे हैं, सभी कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस जा रहे हैं, तो रोड्स का तो कंफ्यूजन डेफिनेटली होगा ही होगा, बट फिर भी बहुत मुश्किल से हमें समझ ही नहीं आ रहा है, कैसे भी करके पहुंच ही जाते हैं। सो फाइनली ये है लोटस पार्क बिल्डिंग और इसी में है फोर लायंस प्रोडक्शन हाउस। यहाँ पे भी इंट्रो ऑडिशन नहीं हुआ, इन्होंने अपनी ईमेल आईडी दे दिया, आप भी अपना प्रोफाइल सेंड कर देना। ये है, ये पूरी कांच की बनी हुई है, ये फोर लाइन प्रोडक्शन हाउस ना यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, अभी शिफ्ट हो गया हाँ, और गूगल पे लेकिन मैप पे अभी भी पिछला एड्रेस आ रहा है, तो उसके लिए धक्के खाए हैं। फिर भी यहाँ पे इंट्रो ऑडिशन सब बंद है, ऑनलाइन हो रहा है, उन्होंने जीमेल और कॉन्टेक्ट। सो लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एरिया जो है यही कहीं है डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन हाउस, तो वहाँ पे भी हमें जाना है, हम ढूंढ ही रहे हैं। सो यहाँ पे हमें एक और भैया मिल गए हैं, सो ये भी हमारी तरह आर्टिस्ट हैं और ये हमारे साथ जा रहे हैं डायरेक्टर्स कट हाउस प्रोडक्शन हाउस। सो इन्हें भी नहीं पता है, बस हम सारे साथ में चल दिए हैं ढूंढने के लिए, खोज करने के लिए। सो ढूंढते हैं, काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं गाइज। मैंने व्लॉग बनाना बंद कर दिया था बीच में से, व्लॉग नहीं बनाया मैंने, इतना घूमा है ना, ये भैया नहीं मिले थे उससे पहले से, मैं इतनी घूम रही थी डायरेक्टर्स कट ऑफिस ढूंढने के लिए, और फाइनली ये मिल चुका है, यही है। सो गाइज़ यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल रहा है, सच्ची में बहुत घूमी हूँ मैं। सो हर जगह की तरह यहाँ पे भी इंट्रो ऑडिशन कुछ नहीं चल रहा है, यहाँ पे जीमेल ईमेल जो भी है आप नोट कर लीजिए, प्रोफाइल सेंड कर दीजिएगा।
अब हम आ गए हैं रास्ते मेन रोड पे और यहाँ पे हम ले रहे हैं बड़ा पाव। सुबह से कुछ नहीं खाया है, भूखे हैं। वैसे तो ये भैया 13 का एक दे रहे हैं बट 50 के इन्होंने हमें 5 दे दिए। वैसे तो पेट नहीं भरता बड़ा पाव में, छोटे से तो होते हैं बट फिर भी काम चला लेंगे। हम बस के लिए बैठे हैं, आज हम बस से जाने का सोच रहे हैं इसलिए बस का वेट कर रहे हैं। पता नहीं, देखते हैं बस मिलेगी कि नहीं। लग रहा है ऑटो से जाना पड़ेगा, बस में तो बहुत से ही। यहाँ काफी वेट करना पड़ता है, बस बहुत कम चलती है। बस के लिए वेट कर रहे थे तो बारिश पड़ने लगी। सो फाइनली काफी देर वेट करने के बाद बस आ गई है। सो जब से हम मुंबई में आए हैं तब से ये आज हम ट्रेवल कर रहे हैं बस में, वरना हम ऑटो से ही ट्रेवल कर रहे थे। धूप निकल रही है, अभी तो बारिश पड़ रही थी। फर्स्ट टाइम बस से आए, ये ऐसा गोल चक्कर सा बना हुआ है। डेली बिस्लरी की 2 लीटर वाली बॉटल पानी की 30 रुपीज की। दिल्ली में हम घुसने वाले हैं, हमारे बराबर में खाने की। चक्कर आ रहे हैं। ठीक है सर, ये ब्लॉग खत्म करती हूँ मैं। बाय बाय, सी यू माय नेक्स्ट ब्लॉग। देख के लाइक कर देना प्लीज।